सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना है, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं टाइमली, तो अब इनकम टैक्स रिटर्न्स की प्रोसेसिंग हो गई है फास्ट। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आते ही मैसेज भी मिल रहा है, फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी फट से। और ये कौन सी रिटर्न्स के लिए है? प्रोसेसिंग स्टार्टेड फॉर आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4। और हमने खुद भी देखा है, जितने भी रिटर्न्स हमने पास्ट 2-3 डेज में फाइल की हैं वो प्रोसेस हो गई है। पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 खुद भरना चाहते हैं तो हमारी वीडियोज देख लीजिए, हमने आई बटन पे लिंक कर रखी है। लास्ट डेट की बात करें तो अभी कोई एक्सटेंशन तो आई नहीं है, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 1920 की आईटीआर की लास्ट डेट, अगर हम नॉर्मल केसेस की बात करें अदर देन ऑडिट, उनकी लास्ट डेट है 31, और जिनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड है तो उनके लिए लास्ट डेट है 31 जनवरी 2020। कोई एक्सटेंशन होगी तो उसी के अकॉर्डिंग डेट्स चेंज हो जाएंगी। और अगर आपको अपनी आईटीआर भरने में दिक्कत आती है, खुद नहीं कर पाते, कंफ्यूजन है, गलती हो जाती है, तो आप पेड सर्विसेज लीजिए। जो वेबसाइट आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है www.legalsahayak.com, आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मत भूलें। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या कंडीशंस हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को लाइक कर दें और भी लोगों के साथ शेयर कर लें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो अगर आप अपनी आईटीआर अभी कुछ ही दिनों के अंदर फाइल करेंगे तो आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग हो रही है अब झटपट, यानी 1 से 2 दिन के अंदर ही रिफंड भी आ रहे हैं इवन। पर उसी कंडीशंस है, सबसे पहली कंडीशन आईटीआर इज वेरीफाइड, यानी आप जब अपनी आईटीआर को भर देंगे उसके बाद आपको अपने अकाउंट में माय अकाउंट में आना है। यहां आपको ऑप्शन दिखती है ई वेरीफाई रिटर्न, इस पे क्लिक कर लीजिए। जो भी आपकी रिटर्न ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है उस पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक है तो मोबाइल के थ्रू आपके पास आएगा ओटीपी, उस ओटीपी के थ्रू आप कर पाएंगे ई वेरीफाई। अदरवाइज इंटरनेट बैंकिंग से भी ई वेरिफिकेशन हो जाता है। ई वेरिफिकेशन कैसे करना है ये जानना है तो वीडियोस को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कैसे आप आधार से कर सकते हो और कैसे इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा। बहुत ईजी है ई वेरीफाई करना। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि आपने आईटीआर भरने के बाद उसे ई वेरीफाई कर लिया, तभी झटपट प्रोसेसिंग होगी। क्योंकि अगर आप हार्ड कॉपी भेजेंगे आईटीआर वी की तो उसको तो फिर उनको मिलने में भी टाइम लगता है और उसके बाद प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है। और हम अपने व्यूअर्स को हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि अपना मोबाइल आधार से लिंक करा ले, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो आईटीआर ई वेरीफाई कर लीजिए, वेदर थ्रू द नेट बैंकिंग और थ्रू आधार ओटीपी। देन आपका बैंक अकाउंट, अगर आपका रिफंड है ना तो आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होगा तो झटपट आपका रिफंड आएगा। अब चलिए देखते हैं कहां से प्री वैलिडेट होता है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आइए, लॉग इन करिए, प्रोफाइल सेटिंग में आइए, यहां पे ऑप्शन है प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट और साथ ही प्री वैलिडेट योर डीमैट अकाउंट, दोनों ऑप्शन है। आप अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करने के लिए यहां क्लिक कर लीजिए। मेरा तो यहाँ पे ऑलरेडी बैंक अकाउंट ई वेरीफाइड है, आपको अगर करना है तो ऐड करिए। जैसे ही आप अपना प्री वैलिडेशन के लिए आएंगे तो आपका पैन यहाँ पे लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करिएगा, अकाउंट का टाइप, आईएफएससी कोड, बैंक नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बैंक की ब्रांच डालेगा, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आपका पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो बैंक आप यहाँ पे प्री वैलिडेट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए उस बैंक में भी। ठीक है, यानी वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा जो आपके बैंक अकाउंट के लिए आपने दी हुई है। क्लियर है आपको? तभी वो प्री वैलिडेट होगा और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपका बैंक में मोबाइल नंबर डिफरेंट है जो अभी एक्टिव नहीं है या ईमेल आईडी ऐसी है जो अभी एक्टिव नहीं है तो पहले बैंक में चेंजेस करा लीजिए, फिर अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे प्री वैलिडेट कर लीजिएगा। तीसरी कंडीशन है नो एरियर, यानी अगर कोई टैक्स पेबल बनता है तो आपने उसे पे कर दिया हो, ऐसा ना हो कि पेबल में ही रहने दिया और आईटीआर फाइल कर दी। ये बात हम अपनी वीडियोस में सजेस्ट भी करते हैं कि अगर कोई टैक्स पेबल आ रहा है तो पहले अपनी आईटीआर को ध्यान से चेक कर ले, कोई गलती तो नहीं है, और अगर एक्चुअली पेबल आ रहा है तो उसे पे करिए, आईटीआर में डिटेल में फिल करिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, और फिर जब वो जीरो हो जाए टैक्स पेबल और रिफंडेबल तब आप अपनी आईटीआर को सबमिट करिए। यानी अगर आपका कोई टैक्स पेबल बनता है और आप पे नहीं करोगे तो भी आपकी आईटीआर झटपट प्रोसेस नहीं होगी। नो इनकम डिस्क्रिपेंसी, यानी इनकम की कोई गलती ना हो, अपनी अपनी आईटीआर सही एज पर रूल्स फाइल की हो, कोई गलत डिडक्शन क्लेम ना की हो, कोई इनकम कंसील ना की हो, इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। जो इनकम आपके 26 ईयर्स में आ रही है
उसी को उसको ध्यान में रखते हुए भरना है। कई लोग ना क्या करते हैं, सैलरी जैसे उनकी इनकम है और एफडी भी करा रखी है बैंक में, तो एफडी पे इंटरेस्ट आया, उस पर टीडीएस कट गया, एफडी की वो इनकम उनके 26 ईयर्स में आ रही है, आईटीआर में नहीं दिखाई। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज अगर होंगी तो भी आपकी आईटीआर झटपट प्रोसेस नहीं होंगी, बहुत ही केयरफुल होना होता है आईटीआर को भरने के लिए। नो टीडीएस और चालान मिसमैच, साथ ही आपका टीडीएस और चालान का भी कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आना है 26 ईयर्स पे आना है, इसको जरूर चेक करें। अपनी आईटीआर को फाइल करने से पहले ना 26 ईयर्स को चेक करें, जितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उतना आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि किसी पार्टी ने आपका टीडीएस काटा, आपने उनसे पूछ लिया और वो टीडीएस आप खुद आईटीआर में क्लेम कर रहे हो जबकि वो 26 ईयर्स में नहीं आ रहा, तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा ना आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो यही बात लिखिए कि कोई भी टीडीएस या चालान का मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, साथ ही आपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया है, बैंक अकाउंट आपका प्री वैलिडेट है, तो आपकी आईटीआर विद इन 1 और 2 डेट्स, आईटीआर 1 और 4 की बात करें हम, झटपट प्रोसेस हो जाएगी। हमारी वेबसाइट studyvery.com पे आइए, यहाँ कोर्सेज पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की वीडियो देखनी है ना, आपको खुद भरनी है अपनी आईटीआर, तो वो भी हमारी इस वेबसाइट पे डली हुई है और उसको देखना बिल्कुल फ्री है। ये है आईटीआर 1 की वीडियो और ये है आईटीआर 4 की वीडियो, इनसे आप अपने आप अपनी आईटीआर भर सकते हो इजिली, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें बता रखा है कैसे आईटीआर भरनी है आपको। इसके अलावा हमारे कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड है तो हमारे 3 एक्टिव कोर्सेज हैं अभी। जीएसटी का डिटेल्ड कोर्स है अगर आपको जीएसटी में करियर बनाना है, सिर्फ एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट सीखनी है जीएसटी की और कोई भी गलती नहीं चाहते आप आपकी एनुअल रिटर्न और ऑडिट में हो, तो हमारा ये सेशन लीजिए, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो ट्रायल से, ट्रायल में कोई चेंज हो गया तो बैलेंस शीट भी चेंज हो जाती है, उसको मिलाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बैलेंस शीट को बनाना कई घंटे कई दिन, ओपनिंग क्लोजिंग मिलाना, आपका एक स्टाफ डिवोट हो जाता है इन सभी कामों में, अपना टाइम सेव करने के लिए हमारा ये मोस्ट पॉपुलर सेशन लीजिए। सभी हमारे कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर सिंपली विजिट करिए www.studybuddy.com और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। आई एम होपिंग आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।